ना जाने क्या बात है कि करनाल में छात्रों पर लगातार जानलेवा हमले हो रहे हैं और हमला करने वाला भी कौन, खुद छात्र ही। तो क्या किताबों में दुश्मनी पढ़ाई जाने लगी है या भविष्य का रंग काला पड़ने लगा है आजकल? क्राइम रिपोर्ट में मैं गौरव के पांडे इसी पर खास शो लेकर हाजिर हुआ हूं। तो शुरू करते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। करनाल में लगातार गिर रही लाशों को का कसूरवार कौन है? मई, जून और जुलाई यानी पिछले कुछ दिनों में करनाल खुद अपने ही कंधों पर अपने जवान बेटों की लाशें ढो रहा है। कांप उठा है करनाल, आक्रोश में सब हो रहा खार। लगातार हत्याओं से पसरा है खौफ। ज्ञान के मंदिर में जुर्म की दस्तक। दो गुटों में जुनूनी जंग। कातिल भीड़ का खूनी इंतकाम। कभी चाकू कभी बंदूक। गुनहगार का निशाना अचूक। रंजिश के धधकते शोले। दुश्मनी की दोधारी तलवार। भविष्य पर वर्तमान की मार। अब तो जागो सरकार। सूबे के मुखिया का ये शहर देखिए कैसे लाशों का ढेर बन चुका है। दुश्मनी के नाग भविष्य को डस रहे हैं और वर्तमान खड़ा बेखौफ हंस रहा है। देखिए, इस शोर पर मत जाइए, बस इस शोर में दबी वो खामोशी सुनिए जो खौफ की चादर में लिपटी है लेकिन रक्त रंजित होकर। जैसे जैसे सांसें कम होती जाती हैं
सुर्खियां बढ़ती जाती हैं। बेटे के खोने का गम ऐसा ही होता है। डर है कि मौत लगते जिगर को अपनी आगोश में ना ले ले, क्योंकि एक तो काल के गाल में समा चुका है और दूसरा मौत के मुहाने पर है। देखिए हायर किस्मत, जवान बेटे की लाश आंखों के सामने है और दर्द दिल का दामन कब का छोड़ चुका है। लड़का बच्चों की लड़ाई हुई और ट्रॉमा सेंटर में चक्कू मार दिया बच्चों को, किसी ने। अच्छा, उस पर मैं गांव से आया जी। तो हादसा क्या हुआ, कितने की मौत हुई थी? है जी, मौत भी हो गई है एक बार। हाँ, एक लड़के की मौत हो गई जी। अच्छा, कहाँ का रहने वाला था जी? वो मुहम्मद का बता रहे जी। अच्छा, और दूसरा जो घायल है वो कहाँ का है? वो सिरसी का है जी, मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, आपका बेटा है? हाँ जी। तो ये क्या हुआ, आपसे रंजिश थी कोई बताया? नहीं, कोई रंजिश नहीं। सीएम सिटी करनाल एक बार फिर खामोश, सब देखता रह गया। एक जवान बेटे को लाश बनते, रंजिश थी, खलिश थी या कोई छोटी मोटी बात जिसने ज्ञान के मंदिर में खून की ऐसी होली खेली कि करनाल का जर्रा जर्रा कांप उठा। एसटी स्कूल के 12वीं क्लास के स्टूडेंट थे, नाम इनका विजय था। और अभी तक जो प्रारंभिक जानकारी मिली है वो स्कूल में कुछ बच्चों का आपस में झगड़ा था और इस वजह से कुछ आउटसाइडर बुलाकर चाकू मारकर इनकी हत्या की गई है। कुछ संदिग्ध जो बच्चे थे उनको हमने हिरासत में लिया है, उनसे पूछताछ कर रहे हैं और जो भी इसके कल्प्रिट होंगे उनको गिरफ्तार करें। काफी जल्दबाजी होगी ये एग्जैक्ट इन चीजों में लेने में, पुलिस सभी एंगल से इनमें देख रही है और जो भी इसके दोषी होंगे हर एक एंगल से उनको हम जांच में शामिल करके उन पर कार्रवाई करेंगे। एक की मौत ने दर्द की उम्र बढ़ा दी तो दूसरे की सांसें रह रह कर उखड़ रही हैं। मालूम पड़ा है कि दो गुटों ने आपस में मौत का जहरीला पैमाना बांटा था, लेकिन एक को जाम मिला और दूसरे को जहर। ये देखिए, क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज। दो गुटों ने कातिल भीड़ का नकाब धरा और हाथों में नफरत का खंजर ले आए। जहन में रंजिश के नाग फन उठाए थे और दिल में इंतकाम का शोला। ये धधका तो जान ले गया एक मासूम की। करनाल शहर के बस स्टैंड पर मौजूद एसडी मॉडल स्कूल के बाहर जैसे सब थम सा गया था उस रोज। दो गुटों ने कातिल भीड़ की शक्ल अख्तियार की और फिर ये खूनी जलजला मौत की दहलीज पर आकर थमा। जो घायल है वो कहाँ का है? वो सिरसी का है जी, मेरा बेटा है। अच्छा अच्छा, आपका बेटा है? हाँ जी। तो ये क्या हुआ, आपसे रंजिश थी कोई बताया? नहीं, कोई रंजिश नहीं। अच्छा, पता झगड़ा क्यों, इतने चाकू राड़ क्यों चली है? मैं तो मेरी ड्यूटी मिसिंग है, मैं पति ने ड्यूटी के लिए तैयार था, फोन आया यहाँ। आपके बेटे की क्या हालत है? बेटा भी दाखिल है, चाकू लगे, बाजू में चोट लगी है जिसकी। एक हाहाकारी गुट ने 12वीं के छात्र विजय पर चाकू और डंडों से हमला बोल दिया। घायल विजय वहीं पर खून से लथपथ होकर बदहवास पिटता रहा, लेकिन कोई उसे बचाने नहीं आया और आखिर में कफन में निपटी मौत आई। लगातार लग नहीं रहा कि स्कूलों और कॉलेजों के आईटीआई के मामले ऐसे बढ़ते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किस चीज की कमी रहेगी? पिछले महीने भी एक ऐसा इशू आया था जिसमें आईटीआई के एक बच्चे के साथ ये लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसकी मौत हो गई थी। जितने भी उसके कसूरवार थे उनको सभी को हमने गिरफ्तार किया है। ऐसे सभी मामलों को पुलिस काफी गंभीरता से लेती है और सब पे हम सख्त कार्रवाई करते हैं।
जहाँ तक इस तरीके के मामले हैं, आपस में जो जुविनाइल्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनकी इमोशंस कंट्रोल में नहीं रहती और इस तरीके के स्टेप उठा लेते हैं, तो पेरेंट्स को, टीचर्स को भी कलेक्टिवली इस तरीके के बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए जो स्कूल में या अपने कॉलेज में इस तरीके की गतिविधियों में शामिल रहते हैं। करनाल उस बेटे की मौत पर आंसू बहा रहा है और बेबस होकर ये पूछ रहा है कि आखिर उसका क्या गुनाह है कि उसी की नजरों के सामने उसी के जवान बेटे आक्रोश की आग में झोंक दिए और वो बस खामोश होकर देखता रहा। पुलिस, कानून, प्रशासन, सरकार कहां है ये सब? करनाल के इस बेटे के मातम में कोई आंसू क्यों नहीं बहाने? करनाल पूछ रहा है। क्राइम डेस्क, हरियाणा न्यूज़। करनाल के ये जख्म और भी हैं, बस इस छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है, तो बोलो बोलो। पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। खेतों में खुशहाली लाए, भोपाराए, घर घर पानी पहुँचाए, भोपाराए, सालों साल चलता ही जाए, भोपाराए। कम वोल्टेज में भी मोटर स्टार्ट करे बे आवाज, सालों साल चलने वाला भोपाराए मोटर स्टार्टर। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल, हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलन कर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। The Resorts, NH65, Barwala Road, Village Talwandi, Rana, Hisar. मोडेस्टो कंपनी का मोजेंट पत्ता लपेट तना छेदक और गोब की सुंडी आदि हानिकारक कीटों से फसलों की संपूर्ण सुरक्षा करता है, जबकि ग्रोविटा गोल्ड उनमें अच्छे फल व फूल बनने में सहायता करता है और ज्यादा पैदावार दिलाता है। मोजेंट व ग्रोविटा गोल्ड का विश्वास, हानिकारक कीटों से सुरक्षा, फसलों का संपूर्ण विकास। मोडेस्टो, नाम है विश्वास का। पिछली बार जो नरमे थे, टिड्डी मक्खी आई, मच्छर आया, उसका करके नुकसान सी, जो ग्लीव और चटान दवाई छिड़की और लाके उसका अच्छा रिजल्ट मिले हमारे को, बहुत बढ़िया रहे। बहुत कर लिया केमिकल पर विश्वास, अब बिलीव व चट्टान मिलकर करेंगे सफेद मक्खी व रस चूसने वाले कीटों का विनाश। नीम आधारित बिलीव व बैक्टीरिया युक्त चट्टान की शानदार जोड़ी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR group presents MDK International School. A new landmark of world-class education in the Green Belt of Sirsa. The
first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MTK International School. MTK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MTK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call... Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक योगीराज श्री बाबा तारा जी की कुटिया में नानी बाई रोमायरो दिनांक 27 से 29 जुलाई 3:30 से शाम 7 तक सिरसा में पहली बार शिव कथा का आयोजन भी किया गया है। दिनांक 30 से 31 जुलाई 2016 3:30 से 7 तक यहां कथा व्यास के लिए पधारेंगी विश्वविख्यात जया किशोरी जी, विशाल भंडारा 1 अगस्त 2016, स्थान श्री बाबा तारा जी की कुटिया तारकेश्वरम धाम सिरसा। वो बहस ही क्या जो बेबाक ना हो। व्यवस्था में कितना सुधार आया, कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? इतने लंबे समय तक सांसद रहे लेकिन अपने ही इलाके में हालात सही नहीं। मेरा अहम सवाल ये है कि क्या राजनीति करने से, वायदे करने से बदलाव आ जाएगा? वो तर्क ही क्या जो ठोस ना हो। अरे वो अपने परिवार लेकर सड़कों पर है, किससे जवाब मांगे? राजनीतिक रोटियां अभी भी सेकी जा रही हैं। अब की सरकार पिछली सरकार पर, दूसरी सरकार पिछली सरकार पर। सवाल बड़ा, लोगों की जरूरत को महसूस कब किया? जब वोट चाहिए थे तब महसूस किया? वो संवाद क्या जिसमें संवेदना ना हो। सियासी घूंघट के नीचे सभी अपना अपना खेल खेल रहे हैं। होना बेहतर चाहिए पर नहीं हो रहा। मेरी सिर्फ इतनी गुजारिश, पहल कब होगी? देखिए मुद्दा नवजोत सिद्धू के साथ। मई को करनाल में दो गुटों में ठीक इसी तरह रक्तपात मचा था। उसी रक्तपात के दाग बेशक सूख चुके हैं लेकिन यादें ताजा हैं। देखिए फ्लैशबैक रिपोर्ट। ये आहें, ये विलाप और ये रोदन अगर आपके कानों तक पहुंच रहा हो सीएम साहब तो जागिए और देखिए कि आपका करनाल जुर्म से कैसे कांप रहा है, कैसे थर्रा रहा है। ये कपकपाहट, ये थर्राहट क्या आपको बेचैन नहीं कर रही? ये कहां पड़ता है छात्र? ये छात्र आईटीआई जो पंचपुरा के पास आईटीआई है वहाँ पड़ता है और वो बंद करें। क्या मारे हैं? तो चाकू है मारा। अभी तक जो पहली पूछताछ से पता लगा है कि चाकू लगा है। क्या कार्रवाई क्या की? कार्रवाई के साथियों के बयान पर कार्रवाई शुरू। ओंगद गांव का रहने वाला सन्नी बस स्टैंड के पास आईटीआई करनाल में होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहा था। सनी रोज की तरह
कॉलेज जाने के लिए बस में सवार हुआ था कि तभी उसका पैर किसी दूसरे छात्र के पैर पर पड़ गया। बस फिर क्या था, सन्नी की यह खता उसके लिए कातिल सजा बन गई। कहाँ पे थे आज जो हुआ था? बस स्टैंड पे थे। कहाँ पढ़ते हैं? वो आईटीआई में पढ़ता जी, हमारा दोस्त था जी। कहाँ का रहने वाला था? वो अंकित का रहने वाला था जी, सन्नी नाम है जी, राजेंद्र का लड़का है। तो क्या हुआ? वो पांच साल लड़के आए जी, उन्होंने पकड़ के उसको पहले बाइट बुलट मार दी, उनके पीछे भाग लिया जी। उन्होंने कर्ण पार्क के पास पकड़ गए उसको, पाँच छः जने थे जी, चक्कू चुक्कू मारे जी पाँच छः जना। तो कोई रंजिश चल रही थी पुरानी? पता नहीं जी, बस स्टैंड पे ही था जी। क्या नाम थे उनके? उनका नाम नहीं पता जी, नरुखेड़ी का था एक लड़कों ने। तो अब इसकी यहाँ हॉस्पिटल आए थे मौत होगी? हाँ जी। सन्नी के साथी बताते हैं कि उन छात्रों ने सन्नी को बस में हुए झगड़े के बाद कर्ण पार्क में घेर लिया और उस पर चाकू से ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे सन्नी बुरी तरह जख्मी हो गया। सन्नी को रक्त रंजित हालत में कल्पना चावला अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। सुबह कुछ बच्चे जो है आईटीआई में पढ़ने के लिए बस अड्डे पे आए, बस अड्डे से जो बस चलती है आईटीआई के लिए उसमें कुछ बच्चे सवार होने लगे, तो उसमें सन्नी का पैर जो है किसी दूसरे बच्चे के पैर पे आ गया। इस छोटी सी बात के ऊपर बच्चों में झगड़ा हुआ और ये सन्नी और इसके साथी और दूसरे लोग जो हैं वो भागते हुए कर्ण पार्क में चले गए और वहाँ पर कर्ण पार्क में स्टैबिंग हुई है और अभी जो है ये सन्नी को स्टैबिंग हुई है जिसके कारण उसकी मौत हो गई। अभी तो जो इसके साथी थे जिनको भी चोट लगी है उनके बयान लिए जा रहे हैं। सीएम सिटी करनाल में दिन दहाड़े छात्रों की कातिल भीड़ मौत बनकर आती है और कहर बनकर टूट पड़ती है और कोई कुछ नहीं कर पाता, और करे भी क्या, क्योंकि जुर्म खाकी के तमगों की चमक धुंधली जो कर रहा है। सीएम साहब आप देख रहे हैं ना, क्राइम डेस्क हरियाणा न्यूज। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।